शाहबाद में एडिशनल एसपी रामपुर द्वारा कोतवाली शाहबाद पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कोतवाली शाहबाद परिसर में नगर क्षेत्र के रहने वाले धार्मिक गुरुओं के साथ वार्ता की। वहीं आपको बताते चले कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि ये कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नहीं है। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को सीएए से कोई आहति नहीं होनी चाहिए। सर, ये जो आज सीएए पर आपने लोगों को, उलमाओं और मस्जिद के इमामों को बुलाया, तो आपने क्या अपील की है लोगों से? देखिए, सीएए को लेकर के जो आम पब्लिक में एक कंफ्यूजन है, खास करके मुस्लिम भाइयों के बीच में ये कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है कि उनको हिंदुस्तान की नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, तो इस बारे में बताया गया ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है, और देने का भी खास करके उन लोगों के लिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क से मजहबी प्रताड़ना या किसी और तरह के उत्पीड़न के नाते हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से फिल्टर करके हम लेंगे, किसको नहीं लेंगे, उसके बारे में हिंदुस्तान का बच्चा से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा जो भी नागरिक है, जिस भी धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विशेष करके मुस्लिम भाइयों से मैंने बताया कि आप अपनी समुदाय में बता दें कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसकी हिंदुस्तानी नागरिकता थी, आज भी है, कल भी बरकरार रहे, उस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं। इस नए कानून में उसके लिए कहीं किसी तरह का कोई कट नहीं किया गया है जिससे उनको किसी तरह की चिंता की बात हो। सर, ये आर्टिकल 14 जो है को लेके क्या चर्चा है? समान सर, जाति दम भेद के आधार पर भेद जो हमारे देश का अभी नागरिक ही नहीं है उस पर आर्टिकल 14 कहाँ लागू? ये तो वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिस दिन वो हमारे देश के सिटीजन हो जाएंगे उस दिन 14 समानता की बात उनपे भी बात हो जाएगी। अभी तो हमारे नागरिक ही नहीं है, वो समानता के दायरे में कहां से? इस आधार पे तो पूरी दुनिया एक दूसरे को कह सकती है। फिर तो कोई वसुधैव कुटुंबकम का संविधान लिखा जाए तो उसमें समानता की बात की जाएगी। अमेरिका वाला भी अमेरिका यहां समान है और हम वहां समान है, इंग्लैंड वाला जर्मनी में समान है, जर्मनी वाला इंग्लैंड में समान है, लेकिन समान नागरिकता, समानता का जो अधिकार 14 है, आर्टिकल 14 जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो नागरिक हैं उनके लिए ये आर्टिकल बिल्कुल उसी तरह से मजबूती से खड़ी है। जो लोग बाहर के उनके लिए अभी वो इसमें हमारे मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो उनके लिए इसमें बहस करना ये सिर्फ बात को कहीं ना कहीं से मोड़ने का प्रयास है। थैंक यू सर।